नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। आज 26 जुलाई है। साल के 7वें महीने का ये 26वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। विंस्टन चर्चिल एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी ने आज के दिन यानी कि 26 जुलाई साल 1945 का आम चुनाव हार गई थी, जिससे विंस्टन चर्चिल को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 6 साल तक उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में काम किया था। हैरी एस ट्रूमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी थे। आज के दिन 26 जुलाई साल 1947 में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अमेरिकी सैन्य और विदेश नीति सुधार कानून पर हस्ताक्षर किया था। इस नीति सुधार कानून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सशस्त्र बलों की संरचना को पुनर्गठित किया। ट्रूमैन के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। जमाल अब्देल नासेर हुसैन मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति थे। नासेर ने 1952 के राजशाही को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मिस्र में भूमि सुधारों की शुरुआत की थी। आज के दिन 26 जुलाई साल 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर ने संयुक्त ब्रिटिश फ्रांसीसी उद्यम स्वेज नहर कंपनी के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। स्वेज नहर कंपनी ने अपने निर्माण के बाद से स्वेज नहर का स्वामित्व और संचालन किया था। हिलेरी क्लिंटन अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत से जूनियर सेनेटर हैं। हिलेरी अमेरिका के इलिनॉय प्रांत की रहने वाली हैं। आज के दिन 26 जुलाई साल 2016 को हिलेरी क्लिंटन फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के लिए नामित होने वाली पहली महिला बनी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।